इंडिया में वैक्सीनेशन का थर्ड फेज स्टार्ट हो चुका है और करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कोवैक्सीन और कोविशील्ड इंडियन वैक्सीनेशन ड्राइव में सबसे ज़्यादा एडमिनिस्टर की जा रही है। इन दो वैक्सीन्स के अलावा कुछ समय में रशियन वैक्सीन स्पुटनिक वी भी अवेलेबल होगी। इस वीडियो में हम इन तीनों वैक्सीन्स को डिटेल में समझेंगे, ये कैसे काम करती हैं, क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं और आने वाले समय में हमें और कौन सी वैक्सीन देखने मिल सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैड ऑक्स 1 nCoV-19 कोरोना वायरस वैक्सीन यानी कोविशील्ड से। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के कोलैबोरेशन द्वारा डेवलप की गई कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में मैन्युफैक्चर की जा रही है। कोविशील्ड रिकॉम्बिनेंट एडीनो वायरस वैक्सीन है जो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए चिंपैंजी से लिए गए मॉडिफाइड एडीनो वायरस को यूज़ करती है। ये मॉडिफाइड एडीनो वायरस बॉडी में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है जिससे एक्चुअल कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो पाती है। कोविशील्ड दो डोजेज में लगाई जाएगी और बात करें अगर इसकी एफिकेसी की तो स्टडीज़ के अनुसार फर्स्ट और सेकेंड डोज में 12 वीक्स का अंतर होने पर इसकी एफिकेसी 80% पाई गई है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला के अनुसार इसकी एफिकेसी 90% तक भी जा सकती है। आते हैं कोविशील्ड के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स पे। मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार कोविशील्ड से फीवर, नौजिया, हेडेक, फटीग, जॉइंट या मसल पेन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब जानते हैं किसको ये वैक्सीन लगानी अवॉइड करनी चाहिए। उन लोगों को जिन्हें इसके फर्स्ट डोज से एलर्जिक रिएक्शन हुई हो या इसमें प्रयोग किसी भी इंग्रेडिएंट या केमिकल से एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना हो, उन्हें ये वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कोवैक्सीन पर। भारत बायोटेक द्वारा डेवलप और मैन्युफैक्चर की गई कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है जो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वायरस एंटीजन का प्रयोग करती है। अब क्योंकि ये वायरस इनएक्टिवेटेड है इसलिए ये बॉडी में जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, पर हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है जो हमें लाइव कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट इम्यून बनाता है। कोवैक्सीन भी दो डोज में दी जाएगी और बात करें अगर इसकी एफिकेसी की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में कोवैक्सीन की एफिकेसी 81% पाई गई। कोवैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स में भी फीवर, बॉडी एक, नौजिया, वॉमिटिंग, हेडेक और रैशेस जैसे कुछ कॉमन सिम्टम्स आ सकते हैं। कोविशील्ड की ही तरह उन लोगों को कोवैक्सीन भी अवॉइड करनी चाहिए जिन्हें इससे एलर्जिक रिएक्शन होने का खतरा हो। आते हैं इस ग्रुप की थर्ड वैक्सीन स्पुटनिक वी पर। गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडीमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा डेवलप की गई रशियन वैक्सीन स्पुटनिक वी इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज लेबॉरेटरीज द्वारा बनाई जाएगी। कोविशील्ड के समान स्पुटनिक वी भी एक रिकॉम्बिनेंट एडीनोवायरस वैक्सीन है जो ह्यूमन एडीनोवायरस AD26 और AD5 का प्रयोग करती है। स्पुटनिक वी की दो डोजेज रिकमेंड की गई हैं और जानी मानी जर्नल लैंसेट के अनुसार इसकी एफिकेसी 91.6% पाई गई है। अब बात करें अगर किसको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए या इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो उस पर अभी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। हालाँकि क्लिनिकल ट्रायल्स में इसके कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। एक ब्रॉड कंपैरिजन इन तीनों वैक्सीन्स का कुछ इस प्रकार दिखता है और इन सभी वैक्सीन से जुड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इन तीन वैक्सीन्स के अलावा हमें आने वाले समय में कई और इंडियन वैक्सीन्स भी दिख सकती हैं, जैसे ZyCoV-D जिसे अहमदाबाद बेस्ड कंपनी जायडस कडीला ने डेवलप किया है, HGCO-19 इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन जो पुणे में स्थित जेनोवा और US में स्थित HDT बायोटेक कॉरपोरेशन के कोलैबोरेशन से बनी है। इसके अतिरिक्त भारत बायोटेक भी एक नेजल वैक्सीन पर काम कर रहा है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ जैसे HIV/AIDS, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं तो इनमें से कोई भी वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुटनिक वी का। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो उन सभी के साथ जो ये वैक्सीन्स लगवाना चाहते हैं। ये वीडियो उन्हें एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।